Here, good to go. 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this is crazy, mother. अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर बॉय सैयद साद अमीन। क्लासेस देख के मैं वेल्डिंग करने नहीं जा रहा हूँ, इस वक्त मैं आया हुआ हूँ एक इवेंट पे। और ये इवेंट आप जैसे कि देख रहे हो, मेरे पीछे एक नज़ारे हैं और इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलैक्स करने आते हैं। राइट नाउ आई एम विद भेरिया यूनिवर्सिटी और भेरिया यूनिवर्सिटी का एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन द पॉइंट इज सर बीच रिलैक्सिंग डे गुजारे आज। आर यू लिसनिंग? ज़्यादा दफा ये चल रहा है कि आजकल नौजवान जो है बड़ी पार्टी शार्टी करते हैं भाई, बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन जो भी सब कुछ हो रहा है बड़ा मैनर में हो रहा है, बस मजगी नहीं है, उर्दू देख रहे हैं अपनी मेहनत वाली। पॉइंट ये है कि लेकिन जो समंदर के आगे सामने आके जो आपका सुकून होता है ना, ये सुकून होता है। वही है कि शॉर्ट के चक्कर में जूते वूते सब गीले हो गए। अब आए हैं तो फिर पानी में जाएंगे ज़रूर, और फिर पानी में जब जाएंगे तो आपको डेफिनेटली दिखाएंगे किस लेवल का हम स्विमर नहीं है। लेकिन बीच का मजा है सर, बीच में जाके नहीं है, किनारे पे रह गई है। अभी जो मेरे साथ एक हस्ती मौजूद है, वो हस्ती का जो गेम है वो गेम ये है कि पाकिस्तान में वाटर स्पोर्ट्स के ये प्रो है, और किस लेवल के प्रो है वो मैं उनको बुलाता हूँ। फरहान भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास सर, इधर आजे सर। आप ये जो शख्स का देख रहे हैं ना आप, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ही इज़ द वन जो बेसिकली पानी का बादशाह कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। सर क्या करते हैं, क्या सीन है, लोगों को बताएं आप। ओके, सो मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, आई रन अ कंपनी बाय द नेम ऑफ डाइवर्स रीफ कराची। डाइवर्स रीफ कराची बेसिकली एक एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स कंपनी है। ओके, हमने स्टार्ट बेसिकली स्नॉर्कलिंग से किया था, उसके बाद विद टाइम हम लोगों ने इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू। आइडिया कहाँ से आया पहले मुझे बताओ। आइडिया इस तरह से आया कि हम लोग देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त थे सारे जो कि स्विमिंग का बहुत शौक रखते थे और मुबारक वाले जाते थे स्विमिंग वगैरह करने, और वहाँ पर जाके जब हमने अंडर वाटर मरीन लाइफ देखी तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारा जो मुल्क है कराची जो है ये किसी बाहर के मुल्क से कम नहीं। और इसी आइडिया को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने लोगों को ऑन बोर्ड लिया, लोगों को स्नॉर्कलिंग करवाई, स्कूबा डाइविंग कराई, एंड इस तरह से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करते गए, हम लोग चीज़ें ऐड करते गए। कितना अर्सा हो गया इसको चलाते हुए? तकरीबन 8 से 9 साल हो गए ये सारी चीज़ें करते हुए। और मुझे ये बताओ कि बेसिकली क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्नॉर्कलिंग है, डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग है, दिस इज़ ऑल फॉर जनरल पब्लिक। स्विमिंग आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हमें कॉन्टैक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, हमारा पेज है डाइवर्स रीफ कराची के नाम से, उस पेज के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, हमारे पैकेजेस उसके अंदर मौजूद हैं, आप जेट स्कीइंग कर सकते हैं, स्पीड बोटिंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, आप वहाँ पर जाके यू कैन डू ऑल दैट। अच्छा, कहाँ से सी लाइन आप कौन कौन सी मैनेज कर रहे हो? सो बेसिकली हम लोग
एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम चरना आइलैंड है, और जिस बीच से जाते हैं उसका नाम सुनहरी बीच है। तो हमारी स्नॉकलिंग और वाटर स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ उधर ही होती हैं। इसके अलावा हम लोग कॉर्पोरेट बीच इवेंट्स और ट्रिप्स करवाते हैं जो कि टर्टल बीच के साथ होते हैं। ओके, दैट्स प्रीटी गुड। जो इन्फॉर्मेशन है मैं लिंक्स डिटेल में दे दूँगा, लेकिन 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 काम के बैठे हैं क्योंकि अभी सरप्राइज आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी जाएंगे इवेंट पे। क्या करते क्या है हम सर, देखिए तो भाई, बातें तो हो गई है प्रैक्टिकली। कमिंग सून, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच।